जय माता दी। हम क्लास 9th की बी हाई बुक का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप, शीर्ष पर पहुंचने के लिए। उसका पार्ट वन हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने संतोष यादव जी का के बारे में बात की थी। इस चैप्टर में हम दो लेडीज के बारे में पढ़ने वाले थे जो कि टॉप पे पहुंची हैं और किस तरीके से पहुंची हैं। क्या इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं या फिर ये अलग अलग बैकग्राउंड में होते हुए मतलब अलग अलग फील्ड में गई हैं, और इनमें क्या चीज़ों की सिमिलरिटी थी और किस तरीके से ये जो हैं वो टॉप पर पहुंच पाई। आज हम पार्ट टू में मारिया शरापोवा के बारे में पढ़ेंगे। मारिया शरापोवा भी वही लेडी हैं जो कि टॉप पे पहुंची, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट वन में इंडियन माउंटेनियर संतोष यादव के बारे में पढ़ा कि वो पहली औरत हैं जो माउंट एवरेस्ट को इतनी यंग एज में 2 बार क्लाइम कर चुकी हैं थी। सो पार्ट टू में मारिया शरापोवा के बारे में पढ़ने से पहले हम बिफोर यू री पार्ट में देख लेते हैं कि कौन है। मारिया शरापोवा एक रशियन गर्ल है, और अ रशियन गर्ल मारिया शरापोवा रीच द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस वैन सी वॉज बेयरली 18। मारिया शरापोवा जो है वो रीच द समिट, समिट मतलब शीर्ष पे, टॉप पे पहुंच गई थी। कहाँ पर? वुमेन टेनिस में। कि जैसे कि संतोष यादव जो हैं वो माउंटेन क्लाइंबिंग में जो टॉप पे पहुंची हैं, वैसे ही यहाँ पर हम मारिया शरापोवा की बात कर रहे हैं, वो भी शीर्ष पे पहुंची। कहाँ, किसके शीर्ष पे? तो विमेंस टेनिस में वो शीर्ष पे पहुंची, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 18 साल की थी तब। एज यू रीड अबाउट हर सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कंपेरिजन बिटवीन हर एंड संतोष। और जब उनके बारे में आप पढ़ोगे तो क्या तुम एक कंपेरिजन ड्रॉ कर पाओगे कि उसके और संतोष यादव के बीच में है? तो क्या सिमिलरिटीज, क्या डिसिमिलरिटीज हैं, क्या कंपेरिजन कर पाओगे उनमें? तो हम वो चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि उनकी लाइफ कैसी थी और वो कैसे टॉप पे पहुंची। बिफोर यू यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं, जैसे कि कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनका आगे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो लाइक वर्ड मीनिंग टाइप है ये, तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि ग्लैमरस अटायर क्या होता है, अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग क्लोथ्स एंड हार्ट रेचिंग क्या होता है, बहुत ही सैड फीलिंग होती है, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस। इस तरीके से आप इनको मैच कर सकते हो कि मतलब उसका मीनिंग क्या होता है। ये मैच द फॉलोइंग है। फिर एज यू रीड लुक फॉर द आंसर्स टू दीज क्वेश्चन, जैसे ही आप पढ़ोगे इन क्वेश्चन के आंसर तुम्हें मिलेंगे। जैसे वाई वॉज मौरिया मारिया सेंट टू यूनाइटेड स्टेट, मारिया को यूनाइटेड स्टेट किस लिए भेजा गया? वाई डिडेंट हर मदर गो विद हर, उनकी मदर उनके साथ में क्यों नहीं गई? वॉट आर हर हॉबीज, उनको क्या करना पसंद है? वॉट डज शी लाइक, और उनको मतलब उनकी हॉबीज क्या हैं और उनको क्या करना पसंद है? वॉट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग, और कौन सी चीज़ है जो उसे मोटिवेट करती रहती है कि और आगे बढ़ो, मतलब यहाँ पर टॉप पे पहुँचने के लिए कौन सी चीज़ उसे मोटिवेट करती है। सो ये वाली जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। सो जस्ट फाइंड आउट, ओके? तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ दिस पार्ट टू अबाउट मारिया शरापोवा। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शरापोवा, समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। दैट मीन्स कि मारिया शरापोवा के बारे में हम देखें तो कुछ चीज़ें जो हैं मतलब अच्छी हैं, तो कहीं कुछ चीज़ें बिल्कुल ऑड हैं। मतलब इतनी ऑड चीज़ों के अंदर में भी वो किस तरीके से स्माइल और ग्लैमरस अटायर के साथ में वो दिखती हैं। दैट मीन्स ये समथिंग ऑड विद हर रेडी स्माइल, ओके? सो एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 22nd ऑफ अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर वन पोजिशन इन वुमेन्स टेनिस। और कुछ बात तो थी उनकी स्माइल में, उनके ग्लैमरस अटायर में, कि मतलब जो दिखता था वैसा मतलब कुछ है नहीं है, कि कुछ और सिचुएशन में भी वो कितनी और सिचुएशन में निकल के वो बाहर आई हैं। जैसे कि वो किस तरीके से बाहर आई हैं, ये चीज़ मंडे 22nd ऑफ अगस्त 2005 में, उस दिन मंडे का दिन होता है, और वो वर्ल्ड की नंबर वन पोजीशन में पहुंच जाती हैं, वो भी विमेन टेनिस में। ऑल दिस हैपेंड इन मोस्ट नो टाइम, और ये सब कुछ होता है विद इन नो टाइम। दैट मीन्स कि बहुत अर्ली एज में, बहुत फास्ट होता है जब वो सीखना स्टार्ट होती है, बहुत क्विकली सीखती है वो। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 ईयर एज ए प्रोफेशनल टू रीच द पिनैकल। और अगर आप देखो तो कि वो ऑलमोस्ट नो टाइम में क्यों हुआ था, क्योंकि वो जो हुआ था उनकी लाइफ में, इतना जो चेंज आया था, वो कैसे हुआ था?
पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स का मतलब क्या होता है कि वो इतनी जो काम कॉन्फिडेंस जो थी, उनका जो कंट्रोल था खुद पे, वो उनकी एज में जो लोग होते हैं ना उनसे ज्यादा ही था। दैट मीन्स कि इतने यंग एज में वो इतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में टॉप पे पहुंच गई थी। ये साइबेरिया की बॉर्न जो टीनेजर जो गर्ल थी, वो जस्ट 4 साल पहले ही वो इस प्रोफेशन में उतरी थी। जस्ट टुक 4 ईयर्स एज ए प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल, और 4 साल ही लगे थे उसे इस शीर्ष पे पहुंचने के लिए। पिनेकल मतलब ऑन द टॉप शीर्ष जिसे हम कहते हैं। ओके, किस तरीके से वो 4 साल के प्रोफेशनल कैरियर में वो टॉप पे पहुंची थी वो हम देखेंगे। उससे पहले हम ये पिक्चर देख लेते हैं। इसमें मारिया शारापोवा जो हैं वो ऑन द विमेन सिंगल्स एल विम्बल्डन विम्बल्डन इन 2004, इन्होंने विम्बल्डन में 2004 में विमेन सिंगल्स जीता था, तो ये आप वो देख सकते हो। अब हम आगे पढ़ते हैं। हाउएवर द रैपिड एक्सेंट इन ए फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगेन 9 ईयर्स बिफोर विद द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर। अब देखा जाए तो मतलब देखने में तो सिर्फ 4 साल लगे हैं, लेकिन उनका जो कॉम्पिटिशन था ना, जो इस तरीके का जो हार्ड टफ जो कॉम्पिटिशन था, वो 9 साल पहले ही शुरू हो गया था। मतलब अब 18 साल पे जब उन्होंने ये जीता था और वो टॉप पे पहुंची थी, उससे 9 साल पहले कॉम्पिटिशन शुरू हो गया था, सेक्रीफाइस शुरू हो गया था, जो कि कुछ ही बच्चे उनकी एज के कर पाते हैं। वो चीज़ वो 9 साल में उसने स्टार्ट की थी। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन सी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट। अभी तक उसने अपना 10वां बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट किया था कि उसने अपना सामान पैक किया और वो ट्रेन से कहाँ जा रही थी, यूएस जा रही थी, यूनाइटेड स्टेट जा रही थी। दैट मीन्स कि 9 साल का बच्चा कितना ही होता है। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। और वो जा रही थी अपने फादर के साथ में, जिनका नाम था यूरी, मतलब उनके फादर का नाम यूरी है, और वो फ्लोरिडा के लिए वो ट्रेन पकड़ती है, और यहाँ से उनका जो पाथ है, जो उनका रास्ता है सक्सेस एंड स्टारडम का, वो शुरू हो जाता है। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग 2 ईयर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। और यहाँ पर उनको 2 साल, जो हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है काफ़ी सैड, जैसे अभी मैंने मैच द फॉलोइंग में बताया था ना कि काफ़ी सैड फीलिंग आती है, बिकॉज उन्हें 2 साल तक अपनी मदर येलेना से सेपरेट रहना पड़ा था। मदर का नाम दिया हुआ है यहाँ पे येलेना, उनसे सेपरेट रहना पड़ा था। कि सोचो, 9 साल का बच्चा कोई 2 साल तक अपनी मदर के साथ में किस तरीके से सेपरेट रह सकता है, लेकिन उन्होंने किया अपनी सक्सेस एंड स्टारडम के लिए। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शंस। और द लेटर दैट मीन्स कि येलेना जो थी, उनकी जो मदर थी ना, उनको साइबेरिया में रहना पड़ा। दैट मीन्स कि वो अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ नहीं जा सकती थी फ्लोरिडा, दैट मीन्स कि जब ये ट्रेनिंग पे आई थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शंस, वीजा की वजह से उनसे साइबेरिया में ही रहना पड़ा, वीजा नहीं मिला होगा उसे। द 9 ईयर ओल्ड गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइज। वो 9 साल की बच्ची ये इम्पॉर्टेंट लेसन सीख गई थी अपने जीवन का, कि अगर टेनिस में एक्सीलेंस उसे पानी है तो वो कोई प्राइज पे आएगी। दैट मीन्स कि उसे बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। और मारिया शारापोवा याद करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा लोनली फील किया करती थी, वो अकेली थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, और वो क्या कहती हैं कि मैं अपनी मदर को बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरीके से मिस करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और मेरे फादर जो थे, उनके पास भी टाइम नहीं था, क्योंकि वो इतना वर्क करते थे, इतना वर्क करते थे कि जिससे कि मेरी टेनिस की ट्रेनिंग एटलीस्ट चले। दैट मीन्स उसके पेमेंट के लिए वो इतना हार्डवर्क करते थे। सो ही कुडंट सी मी ईदर, और वो इतना हार्डवर्क करते थे इसलिए वो भी मारिया से नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें हार्डवर्क करना पड़ता था, और वीजा रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उनकी मदर भी साइबेरिया में ही रह जाती हैं। दैट मीन्स कि वो कितना लोनली फील करती होंगी और कितना अपनी मदर को मिस करती होंगी। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। और वो कहती हैं कि वो इतनी छोटी थी, मतलब मैं इतनी छोटी थी। दैट मीन्स कि यहाँ पे मारिया शारापोवा कह रही हैं कि मैं इतनी छोटी थी कि मैं 8 बजे ही रात को सोने के लिए चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल वुड कम इन एट 11 PM, और जो अदर जो बच्चे होते थे जो टेनिस सीख रहे होते थे,
और जो शिष्य थे वो आते थे 11 बजे, एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और उस टाइम पे जब वो 11 बजे आते थे ना, तो वो मुझे जगा देते थे और कहते थे कि अपना रूम जो है वो क्लीन करो, टाइडी बनाओ, इसको साफ रखो। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमिंड एंड मेंटली टफ। मतलब ये सब चीज़ें देख के, मतलब ये मुझे लेटिंग मी डाउन नहीं करती थी कभी भी, मैं इनको देख के कि ये नहीं है कि मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए आइडिया, या मुझे टेनिस नहीं सीखना चाहिए, या मुझे क्विट कर देना चाहिए, मैं चुपचाप जो और ज़्यादा डिटरमिंड होती थी, और भी ज़्यादा मुझे मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटली और भी ज़्यादा मैं टफ हो गई थी कि मुझे टेनिस सीखने के लिए ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। आई लर्न्ड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और मैं ये सीख गई थी कि मुझे खुद का ध्यान कैसे रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, और मैं कभी भी ये सारी चीज़ें छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकती थी बिकॉज मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. वो क्या कहती हैं कि जब तुम्हें पता है कि तुम कहीं कुछ से भी नहीं आ रहे, दैट मीन्स कि तुम कुछ भी नहीं थे जहां से तुम आ रहे हो, और कुछ भी नहीं हो एट प्रेजेंट, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं जगह से आ रहे हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यू हैव नथिंग एंड यू केम फ्रॉम नथिंग। सो आपको ये जो फीलिंग होती है ना, ये आपको और ज़्यादा डिटरमाइंड और जो और ज़्यादा हंगरी बनाती हैं, और ज़्यादा भूख जगाती हैं कि तुम्हें अपना जो एम है वो हासिल ही करना है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट देन दैट टू स्टेड फास्टली परस्यू माई ड्रीम्स। और ये तो कुछ भी नहीं था, मैं जो ह्यूमिलेशन, दैट मीन्स कि मैं 8 बजे आके सो जाती थी, फिर मुझे 11 बजे जगाया जाता था अपना रूम साफ करने के लिए, और इस तरीके की जो चीज़ें मेरे साथ में होती थी, मैं इतनी अकेली फील करती थी, मैं मिस करती थी अपने पेरेंट्स को, मैं इससे भी ज़्यादा ह्यूमिलेशन और इंसल्ट जो थी ना वो और भी बर्दाश्त कर सकती थी जस्ट टू परस्यू माई ड्रीम्स। मैं अपना सपना पूरा करने के लिए, अपना ड्रीम पूरा करने के लिए मैं ये सब कुछ कर सकती थी, इससे भी ज़्यादा ह्यूमिलेशन और इंसल्ट मैं फेस कर सकती थी। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टूडे, और ये जो टफनेस है ना, ये जो उनका टफ, जो मेंटली टफ है, वो आज भी इतनी ही मेंटली टफ है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वर्ल्ड्स द वीमेंस सिंगल्स क्राउन एट विमल्डन इन 2004 एंड टू हर मेटियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर वन स्पॉट ऑफ द फॉलोइंग ईयर। और यही जो टफनेस की वजह से वो क्या करती हैं कि क्या अचीव करती हैं, विमेंस सिंगल क्राउन जो कि विमल्डन में होता है 2004 में उन्हें मिलता है, और ये नंबर वन बन जाती हैं एंड वन स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। ओके, वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, उनकी जो जर्नी थी जो फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया से शुरू होती है टू द समिट ऑफ विमेंस टेनिस, और वो कहाँ पर जाती है, विमेन टेनिस के शीर्ष तक, मतलब टॉप पे पहुँच जाती है। साइबेरिया से लेके इनकी जो ये जर्नी होती हैज़ टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस फॉर द यंगस्टर्स हरसेल्फ, दे अपीयर टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। और ये जो चीज़ होती है ना, जो इनकी जर्नी है ना, ये जो टेनिस फैंस हैं उनके हार्ट को छू जाती है, और यहाँ तक कि जो यंगस्टर्स हैं जो ऐसा कुछ बनना चाहते हैं वो ये देखते हैं, साथ ही साथ में कि मारिया के जो दिमाग में वो इतनी टफ हैं कि उनको सेंटिमेंट्स की जगह इमोशंस की जगह ही नहीं है। द स्ट्रेट लुक एंड द आंसर शी गेव व्हेन शी आस्क अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर दैट शी कंसीडर द सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट। और वो जब उनसे पूछा जाता है ना, वो एकदम स्ट्रेट लुक के साथ में आंसर करती हैं कि उनका एम्बिशन था और वो सब कुछ करने के लिए वो सेक्रीफाइस जो थे वो वर्थ इट थे, दैट मीन्स कि वो आज नंबर वन पे पहुंच गई हैं। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, और वो ये भी कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ, आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू। तो मैं बहुत ज़्यादा जो भी कुछ करती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ, इट्स माई जॉब कि मैं ये मेरी जॉब है, ये मुझे पाना है, मुझे टेनिस में टॉप पे पहुंचना है, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ, दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस। और ये वो सोचती हैं इसलिए वो सक्सीड होती हैं, ये उनका सक्सेस मंत्रा है। दो मारिया शरापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, शी प्राउडली
पैरेड्स हर रशियन नेशनलिटी. दैट मीन्स कि मारिया शारापोवा जो हैं वो एकदम अच्छे से अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोल लेती हैं, क्योंकि उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पे स्पेंड किया है. 9 ईयर्स की थी तब वो गई थी वहाँ पे, लेकिन वो बहुत प्राउडली एक्सेप्ट करती हैं कि वो एक रशियन है. रशियन राष्ट्रीयता को वो एक्सेप्ट करती हैं. क्लियरिंग ऑल डाउट्स सी सेज आई एम रशियन. सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए वो कहती हैं कि मैं रशियन हूँ. इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. ये सच है कि यूएस ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है. दैट मीन्स मैं बहुत टाइम से यूएस में हूँ. बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप. माई ब्लड इज़ टोटली रशियन. लेकिन मेरे पास रशियन सिटीजनशिप है और मेरा ब्लड भी टोटली रशियन है. आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी. और मैं ओलंपिक रशिया के लिए खेलूंगी अगर वो चाहेंगे तो, अगर रशिया चाहेगा तो. लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेजर सेंसेशंस मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज. अब जैसे बहुत सारे टीनेजर्स होते हैं, वैसे जरूरी नहीं है कि वो टेनिस खेलती है तो उसके ऐसे शौक नहीं हो सकते हैं. उनको भी फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, इन सबको मैं पसंद है. ये सारी चीजें उन्हें पसंद है. ये उनकी हॉबीज हैं, मारिया शारापोवा की, फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग. शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल. और वो नॉवेल्स भी पढ़ती हैं जहाँ पे ये नाम दिया हुआ है. इनके नॉवेल्स वो पढ़ती हैं, आर्थर कॉनन डॉयल के. हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपियर एट ऑड्स विद हर लव फॉर पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स. अब ये ही नहीं, वो जो है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, मतलब इवन इवनिंग गाउन्स जो होते हैं और वो भी उनको काफ़ी पसंद है. उसके वो पैनकेक्स काफ़ी पसंद करती हैं जो विद चॉकलेट स्प्रेड जो की हुई होती हैं, वो पैनकेक्स उनके बहुत ज़्यादा पसंद है. और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स उनको काफ़ी पसंद है. मारिया शारापोवा कांट बी पिजन होल्डेड और कैटेगराइज्ड. मतलब उनको किसी चीज़ पे आप रोक नहीं सकते या कैटेगराइज नहीं कर सकते. मारिया शारापोवा को हर टैलेंट, अनवियरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सैक्रिफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. कि मतलब उसे मतलब एक चीज़ के ऊपर रोकना या कैटेगराइज करना गलत चीज़ है. बिकॉज उसका जो टैलेंट है, उसकी जो डिजायर है, उसका सक्सेस, हर चीज़ के लिए जो रेडी रहती है वो सैक्रिफाइस करने के लिए, उसी ने उसे संसार के शीर्ष पे पहुंचाया है, टॉप पे पहुंचाया है. क्योंकि हर कोई बच्चा 9 ईयर पे अपने पेरेंट्स को थोड़ी छोड़ता है. हर कोई बच्चा इस तरीके से दूर रहते हुए और इस तरीके से ह्यूमिलेशन थोड़ी बर्दाश्त कर सकता है. फी वुड ग्रज हर द रिचेज सी इज नाउ रीपिंग. और कुछ लोग तो इस चीज को मतलब लाइक नहीं करते हैं कि वो जो अब जो पैसे वगैरह कमाती हैं और इस तरीके की जो लाइफ जीती हैं, मतलब उन्होंने इतना कुछ किया था, इतना हार्ड वर्क किया था, वही आज वो जो बोया था वो काट रही हैं. लेकिन कुछ लोगों को इससे भी, इसको भी माइंड करते हैं. दिस इज वॉट सी हैज टू से अबाउट हर मोनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस. ऑफकोर्स मनी इज अ मोटिवेशन. और इसीलिए वो कहती हैं, जैसे लोग उनको देख के कहते हैं ना कि हाँ भाई मोनेटरी गेन्स के लिए, कि इकोनॉमिक गेन के लिए, कि भाई टेनिस से वो उसकी जो कमाई होती है ऑफकोर्स वो उसे अच्छी लगती है. क्योंकि मनी इज अ मोटिवेशन. क्योंकि मनी सबसे अच्छा मोटिवेशन है. कि अगर आपको किसी काम के बदले या फिर बहुत अच्छा कर रहे हो उसके बदले पैसा मिल रहा है, सो वो मोटिवेशन प्रोवाइड करता है. टेनिस इज ए बिजनेस एंड ए स्पोर्ट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड. दैट्स द ड्रीम दैट कैप्ट मी गोइंग. दैट मीन्स कि टेनिस जो है वो उसके लिए बिजनेस है. दैट मीन्स पैसा कमाती है, पैसे से वो उनको मोटिवेशन मिलता है. एक स्पोर्ट भी है उनके लिए. बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है ना, जो उसे नंबर वन, वर्ल्ड में नंबर वन बना के रखती है, वो जो ड्रीम है उनका कि उन्हें नंबर वन बन के रहना है वर्ल्ड में, बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड, ये जो चीज़ है वो उसे कैप्ट हर गोइंग. दैट मीन्स कि वो जो मेहनत करती है उसको कंटिन्यू करने के लिए, ये वाली जो चीज़ है ना कि उसे नंबर वन बनना है इन द वर्ल्ड, वो उसका सक्सेस मंत्र है कि उसे वो चीज़ करनी है और उसे नंबर वन बनना है. दैट्स द ड्रीम दैट कैप्ट हर गोइंग. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट इट. और होप यू अंडरस्टैंड. और आप कंपैरिजन भी कर पा रहे होंगे कि जो
संतोष यादव थी, उनका बैकग्राउंड किस तरीके का था, इसका बैकग्राउंड किस तरीके का था मारिया शारापोवा का, और इन दोनों ने किस तरीके से किस सिचुएशन में, कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर सकते हो आपका, जैसे वो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन यहाँ पे इनके लिए इनके फादर कितने हार्डवर्क करते थे, इनको अपने पेरेंट्स को छोड़ना पड़ा था और कितना ज्यादा मिस करती थी, ह्यूमिलेशन इनको देखना पड़ा था, और उनकी लाइफ किस, संतोष यादव जी को अलग तरीके से मेहनत करनी पड़ी थी, वो अपने जो स्ट्रेंथ है उसको, डिटर्मिनेशन थी उनके, और ऐसा ही इनमें भी देखने को मिलता है कि इनके इनके पास भी ये भी डिटरमाइंड थी, ये नंबर 1 पे पहुंचना चाहती थी, इसलिए ये सब कुछ करते हैं। इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कॉमेंट सेक्शन, सो थैंक यू।